हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सेकंड हैंड लग्जरी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो है वो प्रीमियम कार्स अवेलेबल है। सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी बहुत सारी कार जो है वो अवेलेबल है, पर हमें जो है वो मर्सिडीज़ ई क्लास की वीडियो शूट करनी है तो हम यहाँ की कार्स देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कार जो है वो अवेलेबल है, और अगर आपको इनमें से कोई कार की वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रीमियम कार्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मर्सिडीज एस क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज की हमारी जो कार है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो लास्ट में खड़ी है, मर्सिडीज सी क्लास। मैंने गलती से पहले मर्सिडीज ई क्लास बोल दिया। तो यहाँ पे एक कार आप देख सकते हैं साइड से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रही है। इसका लुक देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिख रही है और इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो टायर्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके आप फ्रंट प्रोफाइल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगती है। इसकी जो आगे की ग्रिल है वो देखिए, आपको यहाँ पे जो बड़ा सा सिंबल दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा कूल दिखता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखती है। इस कार की आप बाहर की जो कंडीशन है वो देख लीजिए, पूरी स्क्रैचलेस आपको ये कार यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इस साइड से थोड़ी कम स्पेस है तो इसलिए मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। पूरी स्क्रैचलेस कार है और बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन कार है। और आपको एक बात बताऊँ तो ये कार जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्राइस में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बजट में ये कार जो है यहाँ पे बैठने वाली है। अगर आप एक प्रीमियम कार लेने का बजट रखते हो तो ये कार आपके बजट में जो है वो आराम से बैठ जाएगी। और ये कार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही कूल फीचर्स के साथ आती है। आप देख सकते हैं ये कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो बहुत ही ज़्यादा कूल दिखते हैं। यहाँ पर आपको इसके अंदर DRLs भी देखने को मिल जाती है। इस कार की जो डिटेल्स है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा और इस कार के सारे फीचर्स जो है वो एंजॉय कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार के अंदर जो है वो आपको 17 इंच के जो है वो अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल प्रोफाइल के साथ आते हैं। और ये कार बाहर से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखती है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है इसकी, बहुत ही ज़्यादा न्यू वेरियंट है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो कूल दिख रही है। अभी हम एक बार इस कार को जो है वो अंदर से भी पूरा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कार होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस कार की है और थोड़ी हवा चलने में चालू हो गई है तो आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एक मर्सिडीज़ की आपको टिपिकल की यहाँ पे देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं हम जब अनलॉक करते हैं इस कार को तब इसकी साइड मिरर जो है वो खुल जाती है अपने आप से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है और एक इंटरेस्टिंग सा लुक देता है। तो डोर्स खोलने के बाद आप देख सकते हैं कार जो है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस है। आप इसके डोर्स भी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको डोर्स के ऊपर जो है वो वुड फिनिशिंग देखने को मिलती है और सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, तो इसके कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके आप डोर्स देख सकते हैं। इस कार का जो इंटीरियर वो आपको ब्लैक और बेज कलर में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इसके अंदर आपको जो है वो मर्सिडीज बेंज की स्कर्व प्लेट देखने को मिलती है। और आप सीट्स देखिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको यहाँ पे सीट्स देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स सीट्स जैसी आपको इसकी सीट जो है वो देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स है। मैं इसके अंदर आपको एक बार बैठ के भी दिखाता हूँ। तो अभी हम इस कार के अंदर जो है वो आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कार है। वो साइड से थोड़ी कम जगह थी इसलिए मैं फ्रंट पैसेंजर डोर से चढ़ा हुआ अंदर। तो आप देख सकते हैं कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीच में थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है, जिसके अंदर आपको दो ग्लास होल्डर्स मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एक एनालॉग क्लॉक जो है वो देखने को मिलती है मर्सिडीज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल दिखती है। यहाँ पे आपको एसी के जो है वो कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कार जो है वो पूरी ही सैनिटाइज की हुई है। यहाँ पर बीच में भी आपको थोड़े से कंट्रोल जो है वो मीडिया के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक लगभग 7-8 इंच की जो है वो स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आप इसका स्टेयरिंग व्हील देखिए, आपको मर्सिडीज़ के टिपिकल लुक में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसका आप जो है वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको 260 की मैक्स स्पीड देखने को मिलती है। आप इसकी पूरी प्रोफाइल देखिए, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कार है। और कंडीशन आप देख सकते हैं, मैं आपको मेन कंडीशन दिखा देता हूँ। इस कार की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन है।
सारे फीचर्स जो है वो वर्किंग है और पूरी नई जैसे आपको एक कार यहाँ पे अंदर से देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा कूल है। यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है जिसको आप लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कार है। यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो सनरूफ के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वैनिटी मिरर्स है जो कि लाइट के साथ है। इस कार के अंदर आपको जो है वो डोर्स के अंदर भी स्पीकर देखने को मिलते हैं और मर्सिडीज की कार्स के अंदर जो स्पीकर्स होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर बहुत सारी बारिश जो है वो शुरू हो गई है और मैं आपको बारिश का एक फील दे देता हूँ। आपको बारिश के अंदर एक कार ड्राइव करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं इस कार के अंदर जो है वो आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश के आपको बहुत सारी बूंद जो है वो देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। आप इसकी पीछे की सीट्स की कंडीशन भी देख सकते हैं। एक बार मैं आपको पीछे ही चल के दिखाता हूँ कि आपको कैसी कंडीशन यहाँ पे पीछे जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए पीछे चलते हैं। तो अभी हम पीछे की सीट्स पे आ चुके हैं और ये कार जो है वो पीछे से बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रीमियम दिखती है। आप देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस कार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेग स्पेस भी बहुत डिसेंट सी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पीछे के डोर्स में भी जो है वो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैनुअल कर्टन्स देखने को मिलेंगे जिसको आप सनवाइजर भी बोल सकते हैं और पीछे की सीट की कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट्स है। यहाँ पे आपको बीच में एक हैंडरेस्ट भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और यहाँ पे एक ग्लास होल्डर्स भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं दो। बहुत ही ज़्यादा क्लीन कंडीशन में कार जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और इसका जो सनरूफ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिखता है। आप देख सकते हैं बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है इसके अंदर। तो आप इसके एक बार सिनेमेटिक शॉट्स भी जो है वो एंजॉय कर लीजिए। तो गाइज मजाक नहीं कर रहे, कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में और बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन कार है। मिंट कंडीशन में कार यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है कार मॉल नासिक के अंदर। मैं आपको एक बार इस कार की जो है वो डिटेल्स भी बता देता हूँ क्योंकि इस कार की डिटेल्स भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये कार जो है आपको 2015 रजिस्टर कार देखने को मिलेगी, मतलब 5 साल पुरानी कार है और 67,000 किलोमीटर जो है वो चली हुई है। तो 5 साल के हिसाब से 67,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं है और ये कार जो है सेकेंड ओनर कार है जो कि लग भी नहीं रही है सेकेंड ओनर कार है क्योंकि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और डीजल वेरिएंट है वाइट कलर में। और मुझे लगता है इस कार की जो प्राइस है वो इस कार के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट प्राइस है। इस कार की जो प्राइस है वो है 26 लाख रुपीज़ ओनली जो कि नेगोशिएबल है। अगर आपको ये कार पसंद आती है तो आप कार मॉल नासिक में आके विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके इस कार की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी कार्स है, आप देख सकते हैं बहुत सारी कार्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सी कार जो है वो देखना चाहिए। यहाँ पे हर एक कार जो है वो अवेलेबल है और यहाँ पे और बहुत सारी कार जो ऐड होने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी प्रीमियम कार्स ऐड होने वाली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं यहाँ की सारी कार्स कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कार्स होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है वो आपके लिए लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।